दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से किसी दूसरे फ़ोन में इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि चला सकते हो। दोस्तों आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आप लोग हॉटस्पॉट एंड वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हो। तो कैसे अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करना है यही आज की इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो की, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे करें स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे रूपनाल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में के छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन उबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए इंटरनेट ट्रिक, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा हॉटस्पॉट एंड वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट कैसे चला सकते हो। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अपना फ़ोन लेना है जिस फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन में इंटरनेट चलाना चाहते हैं। ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन में नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पर्सनल हॉटस्पॉट। हो सकता है आपके फ़ोन में सिर्फ हॉटस्पॉट ऑप्शन हो तो यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट के ऊपर होल्ड करना है। जैसे यहाँ पर होल्ड करोगे ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में हॉटस्पॉट ऑप्शन नहीं आ रहा है, फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है कनेक्शन एंड शेयरिंग, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पर्सनल हॉटस्पॉट और ये सेटिंग यहाँ से ऑन नहीं करना है। पर्सनल हॉटस्पॉट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये सेटिंग देखने को मिलेगा। कुल मिला के फ़ोन में हॉटस्पॉट सेटिंग में आना है ढूंढ कर, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है पर्सनल हॉटस्पॉट, ये सेटिंग ऑन करना है। ठीक है, ये सेटिंग ऑन करने के बाद नीचे देखिए हॉटस्पॉट सेटिंग सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए हॉटस्पॉट नेम, जैसे यहाँ पर लिखा है वन प्लस नॉर्ड, जो भी आपका डिवाइस है डिवाइस नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये नेम चेंज भी कर सकती हो। जैसे मैं यहाँ से ये नेम चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ टेक्निकल फास्ट पोस्ट। ठीक है, टेक्निकल फास्ट पोस्ट, यहाँ से अपने मर्जी से आप नाम सेट कर सकते हो, नेम सेट कर सकती हो। फिर नीचे देखिए सिक्योरिटी और यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। नीचे देखिए ऑप्शन है WPA2 पर्सनल, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है WPA2 पर्सनल, ये सेटिंग सिलेक्ट करना है। फिर नीचे ऑप्शन है पासवर्ड और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है ताकि जब भी आप फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करो कोई भी आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपने वाईफाई को इंटरनेट यूज़ ना कर सके। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड सेट नहीं करोगे और फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करते हो, ऐसे में कोई भी अपने वाईफाई को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आपके वो इंटरनेट यूज़ कर सकता है। सो आपको ज़रूर से यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। सो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, तो अपने मर्ज़ी से एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। जैसे ये पासवर्ड मैंने सेट किया, पासवर्ड सेट करने के बाद ऊपर यहाँ पर देखिए सेव करने के लिए ऑप्शन है। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा नीचे चेक कीजिए विजिबल टू अदर डिवाइस, ये सेटिंग भी ऑन करना है ताकि जब यह फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करो तो दूसरे डिवाइस में शो करे, दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर यह पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ से करना है इसे टिक। ठीक है, यहाँ पर यह सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर यह सेटिंग क्लोज करना है तो फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए और फ़ोन में इंटरनेट डेटा ऑन करना है और यहाँ पर हॉटस्पॉट भी ऑन करना है। देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन है और इंटरनेट डेटा मोबाइल डेटा ऑन है। ठीक है, अब जिस फ़ोन में वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट चलाना चाहते हो, जैसे ये फ़ोन में मैं वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ोन में नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए और यहाँ से वाईफाई के ऊपर इस तरीके से होल्ड करना है, फिर ये सेटिंग ऑन कीजिए। जैसे ये सेटिंग ऑन करोगे यहाँ पर ये सर्च होगा और यहाँ पर ये कुछ समय लग सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए टेक्निकल फास्ट पोस्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पासवर्ड एंटर करना है, फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए कनेक्टेड हो चुका है। अगर आप पासवर्ड सेट करते हो कोई भी आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपने वाईफाई को इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगा, सो पासवर्ड सेट ज़रूर करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो चुका है और कितना फास्ट ये ओपन हो रहा है देख सकते हो। चलिए ब्राउज़र ओपन करके आपको ब्राउजिंग करके भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक वेबसाइट सर्च करूँगा टेक्निकल फास्ट पोस्ट और इस वेबसाइट के अंदर आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा।
सभी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर से ये वेबसाइट एक बार विजिट करना, technicalfastpost.in। देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट कितना फास्ट लोड भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट के ज़रिए, वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट यूज़ कर सकती हो। जिस फ़ोन में आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो उस फ़ोन में वाईफाई ऑन करना है, और जिस फ़ोन से आप इंटरनेट शेयर करना चाहते हो उस फ़ोन में आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है पासवर्ड लॉक सेट करके। और आपको दोबारा से फिर आप पासवर्ड सेट नहीं करना, एक बार ये पासवर्ड सेट हो चुका अगर आप चाहो चेंज कर सकती हो बाद में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।